वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन ब्रह्म ज्ञानी महापुरख श्री बाबा महाहरनाम सिंह जी महाराज जी दी। अज साखी नंबर 2, बाबा जी दे जीवन कौतकां दे विचों। धन धन प्यारे बाबा महाहरनाम सिंह जी महाराज, एक दिन आप इकल्ले ही विहड़े दे विच बैठे सन। एक रमता महापुरख नगर दे विच भिखिया मंगदा मंगदा बाबा जी दे घर आ गया। जिस वक्त दरवाजे अगे आ के भिखिया लैण लई सदा कीती, कोई घर ना होण करके उस नूं भिखिया पाउण लई कोई ना आया। तां कुझ चिर उडीकण पिछों महापुरख विहड़े विच आ गए। अगे आप जी मंजी दे उत्ते बैठे सन। उन्हां महापुरखां ने बाबा जी नूं एक दो वारी बुलाया, पर बाबा जी ने कोई उत्तर ना दिता। जदों ना दिता, फिर बाबा जी ने उन्हां वल तकिया। उस वेले महापुरख जिहड़े आए सन उह जमीन दे उत्ते बैठ गए। उन्हां महापुरखां ने धन धन बाबा महाहरनाम सिंह जी दे शरीर दे चिन्ह चक्कर हत्थां ते पैरां दीआं रेखा दे निशान देखण लग पए। उसे वेले माता जी आ गए। वेख्या कि संत जमीन ते बैठे हन अते मेरा लड़का मंजे उत्ते बैठा है। छेती बाबा जी दे कोल आ के कहण लगी, वे मस्तानिया, संत जमीन ते बैठे हन ते तू मंजे उत्ते बैठा है। बांह तों फड़ के हेठां बिठालन लगी। आपने तां कोई उत्तर नहीं दिता, पर महापुरखां ने पुछया, माता ये बालक तेरा है? माता ने कहा, जी हाँ, ये मेरा बालक है। अते फिर दसिया कि ये मस्त जिहा ही रहिंदा है, किसे नाल बोलदा चलदा नहीं, खाण पीण दी भी कोई सुरत नहीं करदा। अगों संतां ने दसिया, माता इस दी बापत कोई चिंता फिकर ना कर, ये तां कोई वड्डी कमाई वाला महापुरख है। इस नूं कमला ना समझी, ये दुनियावी बच्चियां वर्गा बच्चा नहीं है। फिर महात्मा बोले, अच्छा माता, तू एक गल दस, तैं किते इस नूं आम बच्चियां वांग रोंदे हसदे देखिया है? जिवें कि बच्चे तां सुते सिद्ध ही सुभा हुंदा है। माता जी ने कहा, जी नहीं देखिया। फिर महापुरख कहण लगे, इथों ही सब कुछ समझ लै, असीं झूठ नहीं बोलदे। माता ने कहा, महापुरखो बैठो, प्रशादा छक के जायो, जो ये अपनी खुशी नाल करन करी जान दियो, ये बहुत ही उच्ची कमाई वाले महापुरख हन। असीं तां इन्हां दा दर्शन करके किरतार्थ हो गए हाँ। इतना बचन करके महापुरख अगे चले गए। ये 2 नंबर साखी इत्थे समाप्त है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।